हेलो दोस्तों, स्वागत है इस थर्मा फैंटेसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे WBBL के दोस्तों मैच नंबर 19 के बारे में, जो आपका खेला जाएगा MI वुमेन और दोस्तों RCB वुमेन के बीच में। ये दोस्तों WBBL का 19 मैच है और ये मैच दोस्तों कब खेला जा रहा है, तो 12 मार्च 2024। और ये मैच दोस्तों खेला कहाँ पे जा रहा है, तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। देखो दोस्तों, दोनों टीमों के बीच में ना ऑलरेडी इसी साल WBBL में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे दोस्तों MI की टीम, दैट मीन दोस्तों हरमनप्रीत कौर की टीम ने वन साइडेड दोस्तों मैच विन किया था और दोस्तों RCB की टीम बहुत खराब परफॉर्मेंस की थी। इस वीडियो में दोस्तों आप लोग जानेंगे दोनों टीमों के दोस्तों सभी प्लेयर का स्टैट्स, उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, साथ ही साथ दोस्तों ये जो मैच होने वाला है अरुण जेटली में, वहां का दोस्तों रिसेंट मैचों का हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे और उससे जानेंगे दोस्तों इस मैच में क्या एवरेज स्कोर रहेगा, स्पिनर को ज्यादा आपको रखना है या दोस्तों फास्ट बॉलर को ज्यादा रखना है, और इस मैच में दोस्तों आपका और हमारा क्या दोस्तों टीम होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जितने भी न्यू मेंबर है, जो फर्स्ट टाइम शर्मा फैंटेसी ग्रुप का वीडियो देख रहे हैं, आप लोग दोस्तों कोशिश जरूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेने के लिए। आप लोगों ने यदि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मैच के रिगार्डिंग जो भी टॉस के बाद अपडेट आएगा, जैसे टॉस अपडेट हो गया, पिच रिपोर्ट अपडेट हो गया, या फाइनल टीम में कोई अपडेट आपको देना होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी है और आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक ना। और अभी तक आपने दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक ना। चलिए सबसे पहले दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग ना हम लोग पिच को समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखो, पिच पे जाने से पहले ना मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अरुण जेटली स्टेडियम में दोस्तों जो लास्ट के लास्ट चार मैचेज हुए ना, वो चार मैच में एक चीज का ध्यान रखना, विकेट ना बैट्समैन को फेवर किया है। आप एक बार स्कोर देखिए जिससे और आपको क्लियर हो पाएगा। जो लास्ट मैच हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ है दिल्ली वुमेन, ठीक ना, और इनके सामने थी दोस्तों आपकी RCB वुमेन की टीम। आप स्कोर देखिए, दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए 181 रन, और दोस्तों ध्यान रखिएगा RCB की टीम 180 कर पाई, ठीक ना। सिर्फ एक रन से दोस्तों RCB की टीम मैच लॉस कर गई थी। आप उससे पहले वाला भी मैच देखिए, गुजरात की टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए 190 स्कोर की, MI की टीम दोस्तों स्कोर को चेस कर ली, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेला था, इसमें भी स्कोर कितना है 190। उससे पहले वाला मैच दोस्तों लो स्कोरिंग हुआ था, जहां पे यूपी की टीम 138 ही स्कोर कर पाई थी और दिल्ली की टीम दोस्तों इजिली इसको टारगेट चेस की थी। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आप देखोगे जो लास्ट तीन मैचेज हुए हैं, उसमें दोस्तों जो लास्ट दो मैच हुए वो हाई स्कोरिंग हुए, उसका रीजन बताता हूँ क्यों हाई स्कोरिंग हुए। क्योंकि दोस्तों जो लास्ट जो दो मैचेज हुए ना, वो दोस्तों पिच नंबर ध्यान रखिएगा दोस्तों चार पे हुए हैं, और पिच नंबर चार जो है ना दोस्तों ध्यान रखना अरुण जेटली स्टेडियम का ना बैटिंग विकेट है, और ये वाला मैच दोस्तों हुआ था पिच नंबर थ्री पे, या दोस्तों इससे पहले वाला भी मैच हुआ था दोस्तों पिच नंबर थ्री पे। तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी कोई आपको बताएगा नहीं बताए, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि पिच नंबर चार पे मैच होगा, तो ध्यान रखिएगा बैटिंग विकेट है, एवरेज स्कोर 160 से ऊपर रहेगा। यदि दोस्तों पिच नंबर थ्री पे होता है या पिच नंबर फाइव पे भी हो दोस्तों, तो फिर ध्यान रखिएगा बॉलिंग विकेट है। और ये चीज मैं आपको लास्ट टाइम कहां पे, तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल को इसलिए मैं बोला था मस्ट है, ज्वाइन कर लीजिएगा इस टाइप का। दोस्तों इसको आप छोटा अपडेट मत समझना, ये आपका दोस्तों पूरा कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि किस पिच पे मैच होने वाला है, ओके। बात कर ले दोस्तों इस मैच का क्या एवरेज स्कोर हो सकता है। देखो दोस्तों, दोनों टीमों का ना बैटिंग स्ट्रॉन्ग है ना, RCB का बैटिंग ले लो दोस्तों या MI का, तो लो स्कोरिंग मैच तो दोस्तों डेफिनेटली नहीं होने वाला है। जो भी टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करेगी, उनका दोस्तों जो एवरेज स्कोर रहेगा वो आपका दोस्तों रहेगा 140 और 270 के बीच में, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि दोनों टीमों का दोस्तों बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो दैट्स व्हाई ये मैंने एवरेज को रखा है। बात कर ले स्पिनर और फास्ट बॉलर किसको ज्यादा विकेट मिले हैं, तो ये चीज दोस्तों ना आप रिसेंट मैच को भी देख के समझ सकते हैं। जो लास्ट मैच हुआ था उसमें दोस्तों पेसर को आप देखिएगा 3 विकेट, वहीं दोस्तों स्पिनर कितने विकेट लेके गए, तो टोटल दोस्तों 6 विकेट लेके गए। उससे पहले वाले मैच में पेसर 3 विकेट, वहीं दोस्तों स्पिनर कितने, फिर से दोस्तों 6 विकेट। उससे पहले वाला भी मैच ले लीजिए, पेसर 5 विकेट, स्पिनर दोस्तों 91 विकेट। इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, स्पिनर को ज्यादा विकेट मिल रहा है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर। और दोनों टीमों में एक बार देखिएगा दोस्तों, तो स्पिनर है, ठीक ना,
दोनों टीमों में दोस्तों आपको स्पिनर मिलेगा। मुंबई की तरफ से दोस्तों आपको स्पिन बॉलिंग में मैथ्यू मिल जाएगी, सोफिया इसक मिल जाएगी, ए कैरी मिल जाएगी। वही आरसीबी के पास दोस्तों बहुत ज्यादा नामी स्पिनर तो नहीं है, बट ओके ओके जी वारेन, मोलिक्यूस और दोस्तों एस्थोबिया, ठीक ना, आशा आपको मिल जाएगी आरसीबी की तरफ से। तो दोनों टीमों के पास दोस्तों तीन तीन बहुत क्वालिटी आपको स्पिनर मिलेंगे, तो स्पिनर पे जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक ना। फास्ट बॉलर ऐसे रखिए जो आपको दोस्तों विकेट टेकर हो, जैसे दोस्तों आपको स्माइल मिलेगी मुंबई की तरफ से, विकेट टेकर बॉलर है उनको जरूर लेंगे। या ऐसे फास्ट बॉलर लीजिए दोस्तों ऑलराउंडर हो, जो आपको बैटिंग से भी कुछ स्कोर करके दो, जैसे दोस्तों नाइट सिवर ब्रांड मुंबई की टीम में मिलेगी, जो आपको टॉप में बैटिंग भी करेगी और चार ओवर का बॉलिंग भी करेगी। सोफिया डिवाइन जो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देगी, तो ऐसे फास्ट बॉलर को हम लोग रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस मैच के रिगार्डिंग ना हम लोग दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी समझ लेते हैं। तो दोनों टीमों के बीच में आप देखिएगा पूरे WPL में ना टोटल तीन मैचेज हुए, और ये तीनों मैच में दोस्तों MI की टीम वन साइडेड विन की है। आप देखिएगा दोस्तों RCB की टीम एक मैच भी दोस्तों अभी तक MI से विन नहीं की है, तीनों के तीनों मैच दोस्तों MI ने विन किया है और तीनों मैच दोस्तों वन साइडेड विन किया है। यदि आप लास्ट पांच मैचेस का परफॉर्मेंस देखोगे उसमें दोस्तों MI की टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। RCB का आपको दोस्तों लास्ट पांच मैच में ना सिर्फ एक मैच दोस्तों विन मिलेगा और चार मैच दोस्तों लॉस मिलेगा। दैट मीन्स रिसेंट मैचों में RCB की टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितना दोस्तों इन्होंने स्टार्टिंग में किया था, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ ऑफर भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि अब दोस्तों बिग बैश इंड पे है, तो जिन भाइयों ने इस ऑफर का बेनिफिट नहीं लिया जरूर ले लीजिएगा। एक तो दोस्तों आपको ऑफर मिलेगा स्पोर्ट्स बाजी पे, कि यदि आप स्पोर्ट्स बाजी पे फर्स्ट टाइम दोस्तों 100 रुपया ध्यान रखिएगा डिपोजिट करते हैं, तो ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा WPL, जिससे दोस्तों आपको 10 रुपया का फ्री टिकट मिलेगा, और इस टिकट को दोस्तों आप इस मैच में यूज कर सकते हो। आपको 10 रुपया वाला एक कॉन्टेस्ट मिलेगा जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई एंट्री फी नहीं देना है। सेकेंड ऑफर है दोस्तों, यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम 500 या 500 से ऊपर का डिपॉजिट करते हो तो ये कोड आप यूज कर लीजिएगा, और दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ का जो सबसे बड़ा वाला ग्रैंड लीग है ना वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं पे करना होगा। तो डिपॉजिट ऑफर का जरूर बेनिफिट लीजिएगा। ऑलरेडी दोस्तों WPL का 11 लाख का दोस्तों लीडरबोर्ड चल रहा है, ज्यादा मैचेज है नहीं, कोशिश कीजिए पार्टिसिपेट करने का, और रैंक वन नहीं लेकिन दोस्तों रैंक थोड़ा नीचे से ही सही, छोटा सा भी आप प्राइज लेके जाइएगा बेस्ट है। इसके लिए दोस्तों आपको अलग कोई प्राइज नहीं देना है, आप जैसे जैसे खेलेंगे उस तरह से दोस्तों आपका रैंक यहाँ पे डिसाइड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक तो दोस्तों आपको 5000 का फ्री गिव अवे भी चल रहा है जो सभी मैच में रहता है। यदि आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा पे नहीं करना है। आप यहाँ का ग्रैंड लीग देखिएगा सिर्फ 19 रुपया में आप लगा सकते हैं, अदर ऐप जो आपसे 49 रुपये लेते हैं स्पोर्ट्स बाजी सिर्फ आपको 19 रुपया में ग्रैंड लीग प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें भी दोस्तों 10% बोनस का यूज हो जाएगा। यदि आप मेरे रेफर कोड से दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपया का बोनस मिलेगा, और उस बोनस से दोस्तों और आपका एंट्री फी कम जाएगा। और भी ऑफर बताऊं, और ये जितने भी ऑफर है ना दोस्तों देखिए अपने मेंबर को बेनिफिट के लिए ही है। एक तो दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी पे आप फैंटेसी के साथ साथ ना स्टैट्स प्रो भी ट्राई कर सकते हो। स्टैट्स प्रो में दोस्तों आपको मिडिल में मिलेगा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस है जिसमें आप उसका जवाब देके प्ले कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया है MI की टीम ये मैच विन करेगी, दोस्तों आप ट्रू पे करना, ठीक ना, ट्रू पे करने के बाद दोस्तों आप प्ले कर सकते हो। और कैसे प्ले करना है, तो जब आप ट्रू कर लोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना रुपया का बजट आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं इसको आगे पीछे करके, और जो भी बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। तो जिन भाइयों ने स्पोर्ट्स वाली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर कीजिएगा। कहां से कीजिएगा दोस्तों, तो इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में स्पोर्ट्स वाली ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए डाउनलोड कीजिए और जितना हो सकता है दोस्तों बेनिफिट लेके जाइए। अब चलिए दोस्तों हम लोग ना दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे मुंबई का प्लेइंग 11। सच बताऊं दोस्तों मुंबई की तरफ से ना आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, सेम प्लेइंग 11 रहेगा जो दोस्तों MI का लास्ट मैच में रहा था, जहां पे ओपन दोस्तों आपको मैथ्यू करेगी, इनके साथ वाई भाटिया, नाइट्स वर ब्रांड, और इसके बाद दोस्तों हरमनप्रीत कौर, ए कैरी, पूजा वास्तरेकर विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, RCB के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, कोई ले नहीं रहा है। फिर आपको मिलेगी एक और सजना, फिर काजी मेनली फील्डिंग करती है दोस्तों, स्माइल इंपॉर्टेंट रहेगी RCB के अगेंस्ट, इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और सोफिया इसक, इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है RCB के अगेंस्ट, तो कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। चलिए बारी बारी से ना
हम लोग सभी बिल्डर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी दोस्तों आपको वाई भाटिया का। अब इनका रिकॉर्ड देखिएगा आरसीबी के अगेंस्ट दोस्तों, इन्होंने ना 3 मैच खेला है और इस 3 मैच में 84 रन स्कोर किए, काफी अच्छा रिकॉर्ड है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इनको सभी मैच में लेके चल सकते हैं, ठीक ना। फिर नीचे आपको मिलेगी दोस्तों मैथ्यू का ऑप्शन, आप मैथ्यू का भी रिकॉर्ड देखिएगा तो खराब नहीं मिलेगा। 3 मैच दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट इन्होंने खेला है, 127 रन बैटिंग से और बॉलिंग से दोस्तों आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए, ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है, मस्ट पिक है, लेके चलेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक ना। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप इनको भी ले चल सकते हो। फिर आपको मिलेगी दोस्तों नाइट सीपर ब्रांड का, हेड टू हेड में दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट इन्होंने 3 मैच खेला है, 95 रन और बॉलिंग से 6 विकेट। नाइट सीवर ब्रांड मेरे को भी याद है जब लास्ट टाइम हुआ था ना दोनों टीमों का मैच, वहां भी दोस्तों नाइट सीवर ब्रांड ने ना आरसीबी के अगेंस्ट 2 विकेट लिया था। विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, आरसीबी के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हमेशा आउट करके जाती है, तो नाइट सीवर ब्रांड दोस्तों कैप्टन के लिए भी एक बहुत ही अच्छी और दोस्तों सेफ ऑप्शन आपके लिए बन रही है। फिर आपको मिलेगी दोस्तों हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट ना बहुत ज्यादा मैच नहीं खेली है, 3 मैच में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 मैच इन्होंने खेला है जहां पे बैटिंग से दोस्तों कुछ खास नहीं, सिर्फ 2 रन स्कोर किए। तो ये नहीं समझिएगा कि दोस्तों हरमनप्रीत का रिकॉर्ड बहुत खराब है हेड टू हेड में, जी नहीं, मैच ही इन्होंने ज्यादा नहीं खेला है इसलिए आपको रिकॉर्ड इनका कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, बट रिसेंट मैचों का तो परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट मैच में दोस्तों जो इन्होंने 95 रन का स्कोर किया था ना, सैल्यूट वाला था कि आउटस्टैंडिंग इन्होंने इनिंग खेला था, वन साइडेड दोस्तों एमआई को विन करवाया था, लग नहीं रहा था कि दोस्तों एमआई की टीम विन करेगी, वहां से दोस्तों हरमनप्रीत कौर का वो पारी कोई नहीं बोल सकता है दोस्तों, डब्ल्यूपीएल का वो एक तरह से बोले तो वो हिस्ट्री में आ चुका है वो इनिंग। फिर आपको मिलेगी दोस्तों AKR, इनका भी दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है आरसीबी के अगेंस्ट, 3 मैच 71 रन बैटिंग से, बॉलिंग से 5 विकेट, तो ये भी आपके लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में इंपॉर्टेंट पिक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस मैच के ट्रॉम कार्ड प्लेयर पे, नाम है दोस्तों इनका पूजा वास्तविकर, क्यों ट्रॉम कार्ड प्लेयर है पहले वो मैं बताता हूं। आरसीबी के अगेंस्ट दोस्तों 3 मैच इन्होंने खेला है और इस 3 मैच में दोस्तों आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए, ठीक ना, और हमेशा दोस्तों पूजा वास्तविकर स्मृति मंदाना का विकेट ले जाती है, तो दैट्स व्हाई मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लास्ट इनका 5 मैचों का परफ�र्मेंस भी देखिए, तो लास्ट 4 मैच में दोस्तों सभी मैच में इन्होंने विकेट लिया है, सिलेक्शन काफी कम जा रहा है, ठीक ना। तो पूजा वास्तविकर पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करके चलेंगे। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको सजना का ऑप्शन मिलेगा, इस मैच में हो सके बैटिंग से थोड़ा सा चांस है लेकिन स्मॉल लीग में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, आप जीएल में भी ड्रॉप इनको कर सकते हैं, ठीक ना। तो सजना को आपको नहीं ट्राई करना है। एक और भी दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा फील्डिंग से देगी, इनको भी आपको नहीं ट्राई करना है। ट्राई हम लोग करेंगे दोस्तों किसको, तो इस्माइल को। देखिए हेड टू हेड में आपको इनका नहीं मिल रहा होगा रिकॉर्ड, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों इस्माइल सोफिया डिवाइन को इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा तंग करती है, इस्माइल दोस्तों ई पेरी को इंटरनेशनल लेवल पे 3 बार आउट कर चुकी है T20 में, इस्माइल दोस्तों स्मृति मंदाना को 2 बार आउट कर चुकी है, तो इस्माइल तो ऐसे भी दोस्तों एमआई के ना विकेट टेकर बॉलर है, तो आपके लिए ये सभी टीम में इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा बोला था दोस्तों पिच जो है वो स्पिनर को हेल्प करता है, स्पिनर को ज्यादा विकेट मिलता है, लेकिन ये एक ऐसी बॉलर है, आप इनका लास्ट 5 मैचों का परफॉर्मेंस देखिए, किसी भी मैच में दोस्तों ऐसा नहीं रहा है कि विकेट ना मिला हो, सभी मैच में विकेट मिला है, तो ऐसी बॉलर ही है यार, साउथ अफ्रीका के आउटस्टैंडिंग बॉलर है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एस इशक का, इनका भी ना आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, देखिएगा आरसीबी के अगेंस्ट 3 मैच इन्होंने खेला है, 4 विकेट ले चुकी है, और इस साल भी जो फर्स्ट मैच हुआ था WPL का वहां पर भी दोस्तों इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 1 विकेट लिया था और 3 ओवर का बॉलिंग भी की थी। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी एस कलिटा का, उतना खास दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ड्रॉप करके आप इनको चलो। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग आरसीबी वुमेन के बैटिंग पे। देखो दोस्तों सच बताऊं तो आरसीबी की टीम मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंजेज अपने बैटिंग ऑर्डर में करने वाली है, प्लेइंग 11 तो दोस्तों सेम यही रहेगा, हो सके दोस्तों लास्ट मैच की तरह, जैसे लास्ट मैच में दोस्तों क्या हुआ था आपको पता होगा, एस मोलिक्यूल दोस्तों ओपन बैटिंग करने आ गई थी, किसके साथ, तो स्मृति मंदाना के साथ, ठीक ना। तो ये आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है कि इनका नाम दोस्तों यहाँ पे हो सके दोस्तों ये ओपन बैटिंग कर जाए, क्योंकि लास्ट मैच में ये ओपन बैटिंग की थी, अच्छी दिखी थी, ठीक ना। तो ये इनका ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि आपको ये 4 ओवर का बॉलिंग भी करके दे रही है और ओपन बैटिंग भी कर रही है, और क्वालिटी प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने काफी अच्छा इनिंग भी खेला है, और जो ऑस्ट्रेलिया में वुमेन बिग बैश लीग होता है वहां पे दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा इनिंग खेला है,
तो इग्नोर करके नहीं चलिएगा, हो सकती है फिर से ओपन करने आ सकती है और कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा बैटिंग ऑर्डर में और प्लेइंग 11 में, ठीक ना। प्लेइंग 11 में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मुंबई के अगेंस्ट ना एक आपको ऑप्शन मिलेगी दोस्तों एस पटेल का, ध्यान रखना इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताऊंगा ना तो वहां पे और आपको क्लियर हो पाएगा कि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान रखने के लिए। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं मंदाना, मुंबई के अगेंस्ट दोस्तों इन्होंने 3 मैच खेला है जहां पे बैटिंग से 56 रन स्कोर किए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है दोस्तों, मुंबई के ना आपको सभी बॉलर इनको तंग करके रखते हैं। एक तो आपको पावर प्ले में इस्माइल इनको तंग करती है, इस्माइल का दोस्तों जब ओवर खत्म होगा तो इनका प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों एसिसर के सामने, वहां भी इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। नाइट सिबर ब्रांड के अगेंस्ट भी दोस्तों इनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए ये मुंबई के अगेंस्ट अभी तक कोई बड़ा इनिंग नहीं खेली है। बट स्टिल दोस्तों स्मृति मंदाना है, इनका यदि दिन रहा तो 50-60 करके जाएगी। फिर नीचे आपको मिल जाएगी सोफिया डिवाइन, जो मुझे नहीं लगता इस मैच में ओपन करेगी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। एस मोलिक्यूस आपको ओपन बैटिंग करते हुए दिख सकती है। एसएमआई के अगेंस्ट इनका कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 3 मैच सिर्फ 25 रन और 1 विकेट लिए है, तो इस मैच में आप सोफिया डिवाइन पे रिक्स भी ले सकते हो ड्रॉप करके, क्योंकि ऑप्शन आपके पास इस मैच में बहुत सारा है दोस्तों, तो कहीं पे ना आपको रिक्स लेना पड़ेगा। रिक्स नहीं लीजिएगा तो कॉम्बिनेशन ही रेडी नहीं होगा, और उसमें आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो सोफिया डिवाइन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे हो गया है, ये भी देखना है। एस मंगला का देख ले तो 3 मैच मुंबई के अगेंस्ट के लिए जहां पे 29 रन स्कोर है, इनका भी कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है। फिर नीचे आपको ई पेरी का मिलेगा, इनका अच्छा रिकॉर्ड भी है और इनको आपको सभी टीम में लेके भी चल रहा है, क्योंकि एक तो रिसेंट मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था एमआई के अगेंस्ट वहां पर भी दोस्तों बैटिंग से इन्होंने 44 रन स्कोर किए थे। हेड टू हेड में 3 मैच में ऑलरेडी 86 रन स्कोर कर चुकी है, तो इनपे हम लोग भरोसा कर सकते हैं और इनको मैं रिकमेंड करूंगा सभी टीम में लेके चलिए, ओके ना दोस्तों। चलिए नीचे आ जाए तो नीचे आपको मिल जाएगी रिचा घोष, देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से ना सच बताऊं वाई भाटिया रिचा घोष मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों को लेके जाना, दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रही है और रिकॉर्ड भी अच्छा है। मुंबई के अगेंस्ट 3 मैच 64 रन स्कोर कर चुकी है, लास्ट मैच में जो इन्होंने 51 रन स्कोर की थी ना आउटस्टैंडिंग इनका इनिंग आया था। आरसीबी की टीम लास्ट बॉल पे मैच हार गई थी बट रिचा घोष ने ना बहुत अच्छा इनिंग खेला था। बस पिक है इस मैच में विकेट कीपिंग सेक्शन से दोनों ऑप्शन को आप ले लीजिएगा। वारेन का रिकॉर्ड देखे तो एमआई के अगेंस्ट 2 मैच है और 2 बार दोस्तों इन्होंने विकेट भी लिया है, और 1 बार तो दोस्तों इन्होंने जी वारेन ने ध्यान रखेगा नाइट सीवर ब्रांड को आउट किया था और 1 बार इन्होंने मैथ्यू को आउट किया था। बैटिंग से मुझे उम्मीद नहीं है सच बताऊं दोस्तों, तो इस मैच में आप इनपे रिक्स ले सकते हो ड्रॉप करके। यदि आरसीबी की टीम दोस्तों ध्यान रखिएगा बैटिंग फर्स्ट करे आप ले लीजिएगा, ठीक ना, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट करे तो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट यदि करती है तो फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको। रीजन क्या है, बॉलिंग सेकेंड में यदि दोस्तों एमआई के टॉप ऑर्डर ही चेस कर जाते तो होगा दोस्तों क्या, इनको ओवर ही ना मिले, मिले तो 2 ओवर मिले विकेट लेस है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस मैच में आप इनपे रिक्स ले सकते हो, ठीक ना। नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों एस मॉलिक्यूल्स, मस्ट पिक है, सभी टीम में आपको रखना है, मस्ट पिक में लिख भी देता हूं, मिस नहीं कीजिएगा, मस्ट पिक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में ओपन बैटिंग भी की है और 3 से 4 ओवर का आपको बॉलिंग भी करके देगी और इस मैच में भी ओपन आने का हाई चांस है, तो क्यों ड्रॉप करना दोस्तों, ठीक ना, तो लेके चलिएगा इनको। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी दोस्तों एस पटेल, एमआई के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा, 3 मैच में 2 विकेट है, 1 मैच में तो एमआई के अगेंस्ट इनको बॉलिंग नहीं मिला था लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद दोनों मैच में बॉलिंग मिला, दोनों मैच में इन्होंने 1-1 विकेट लिया था। ग्रैंडलीग में दोस्तों यदि आप आरसीबी को फेवर करके टीम बना रहे हो तो ग्रैंडलीग की एक बहुत अच्छी ऑप्शन है दोस्तों एस पटेल, ठीक ना, जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में हम लोग नहीं रख पाएंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है हम लोग के पास अवेलेबल, फिर आपको मिलेगी इनको नहीं ट्राई करना है। आस्था को भी मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि देखो एमआई के अगेंस्ट एक तो विकेट लेस है और एमआई का जो बैटिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे बेटर है कि आप दोस्तों एस पटेल को रख लो, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक ना। फिर आपको मिलेगी रेणुका सिंह, बहुत खराब फॉर्म में चल रही है, एमआई के अगेंस्ट भी दोस्तों 2 मैच के लिए, 2 मैच में से किसी भी मैच में इनको विकेट नहीं मिला है, ड्रॉप दोस्तों आप कर सकते हो। लास्ट 5 मैच देखिएगा किसी भी मैच में दोस्तों इनको विकेट नहीं मिला है, बॉलिंग कर रही है लेकिन दोस्तों विकेट नहीं ले पा रही है, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपको कम मिलेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच के रिगार्डिंग, हम लोग का क्या फाइनल टीम रहने वाला है।
तो अभी के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ना सेम टीम के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूरा कंफर्म हूं सभी प्लेयर खेलेंगे, ठीक ना, और सभी प्लेयर खेलते हैं तो कोई चेंजेज आप मत करना। मैं एक बार ना टीम आपको बता देता हूं। विकेट कीपिंग सेक्शन से दोस्तों आप देखिएगा तो मैंने रखा है दोनों को, वाई भाटिया और दोस्तों रिचा घोष, दोनों मेरे टीम में, क्योंकि दोनों का रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस अच्छा है और रिकॉर्ड भी अच्छा है। बैटिंग सेक्शन से एस मंदाना और एच कौर को मैंने रखा है, और राउंडर सेक्शन से ए केयर, नाइट सिवरब्रंड, मैथ्यू ई पेरी और सोफिया डिवाइन को मैंने रखा है। बॉलिंग सेक्शन से इस्माइल और दोस्तों एस मौलिक को मैंने रखा है, ठीक ना। कैप्टन दोस्तों मैंने नाइट सिवरब्रंड को दिया है क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका सबसे बेस्ट है आरसीबी के अगेंस्ट, और बीसी मैंने दोस्तों मैथ्यू को भी दिया है। अब बीसी दोस्तों आप चेंज करके दोस्तों यहाँ पे आप ई पेरी को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी दोस्तों एक अच्छी ऑप्शन है, रिसेंट मैचों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बीसी आप एक ईयर को भी ट्राई कर सकते हो, स्पेशली यदि मुंबई की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, मुंबई की टीम बॉलिंग सेकेंड करे तो फिर आप इनको मत करना, ओके ना। अब इसमें आप कोई रिस्क लेना चाहते हो तो सोफिया डिवाइन की जगह पे आप यहाँ पे पूजा वास्तवरेकर रख सकते हो, जिनका आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सोफिया डिवाइन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड हो या दोस्तों रिसेंट मैच भी उतना अच्छा नहीं रहा है, तो इनके जगह पूजा वास्तवरेकर को आप एक चेंज कर सकते हो, ठीक ना। ओवरऑल आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव करके रखिए। और एक और चीज दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक आप लोगों ने दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टीम में कोई भी अपडेट मेरे को देना होगा या कोई चेंज करना होगा यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।